सोलन में पार्किंग की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। आलम यह है कि अब शहरवासी अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करने पर मजबूर हो चुके हैं। नगर परिषद के पास करीबन आधा दर्जन पार्किंग्स हैं जो हमेशा भरी रहती हैं। इसीलिए मजबूरन लोग अपनी महंगी कारें सड़कों पर खड़ी कर देते हैं, लेकिन हद तो यह है कि जैसे ही गाड़ियां सड़क पर खड़ी की जाती हैं, तुरंत ही पुलिस उनका भारी भरकम चालान कर देती है। अब ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर गाड़ियों को कहाँ खड़ी करें। शहरवासियों ने मांग की है कि नगर परिषद जल्द पार्किंग का निर्माण करे ताकि उन्हें असुविधाओं का सामना न करना पड़े। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा सोलन के पुराने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक बाजार के समीप और बाईपास पर पार्किंग प्रस्तावित की गई थी, लेकिन ये महज घोषणा पत्र ही रहकर रह गई हैं और अब तक ये पार्किंग नहीं बन पाई है, जिस कारण लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर परिषद, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार कोई भी कारगर कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्किंग की सुविधा न होने की वजह से वो वाहन सड़कों पर खड़े करने पर मजबूर हैं, लेकिन यातायात पुलिस उनका तुरंत भारी भरकम चालान कर देती है। इसीलिए वह चाहते हैं कि नगर परिषद पहले उन्हें पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाए और उसके बाद उनका चालान करे। हमारे शहर में गाड़ियों की संख्या ज़्यादा है और पार्किंग कम है, जिस कारण जो है जनता को गाड़ियाँ सड़क में खड़ी करने पड़ती हैं। जब तक हम सामान लेके वापस आते हैं तब तक चालान हो जाता है। जैसे कि सरकार कई बार वादे कर चुकी है कि ओल्ड बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास की पार्किंगें लगाएंगी, लेकिन वो वादे जो हैं वो ना के बराबर हैं। जितनी पार्किंगें हैं वो सारी भरी रहती हैं, जिस कारण जो है लोग सड़कों पे गाड़ियां खड़ी करते हैं और जिस कारण जो है जाम लगा रहता है। इन सभी समस्याओं का कारण पार्किंग ही है, जिस कारण जो है सरकार जो है पार्किंग उपलब्ध करवाए और जनता को इससे राहत प्रदान करे। सोलन में सबसे ज़्यादा पार्किंग की कमी है। कमी होने के कारण लोग गाड़ियाँ अपनी सड़कों पर लगाते हैं, उसके कारण चलान होते हैं और लोग परेशान होते हैं। कई बाजार में देख लो, जगह जगह स्कूटर खड़े हैं तो चलने की जगह नहीं है। इस करके पार्किंग की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सोलन में जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो पार्किंग की परेशानी है। जितनी भी पार्किंग अवेलेबल है म्युनिसिपल कमेटी द्वारा वो पर्याप्त नहीं है, इसी कारण से हमें अपनी गाड़ियाँ सड़क में लगानी पड़ती है। और जब हम अपना कार्य निपटा कर वापस आते हैं तो वहाँ चालान मिलता है। मेरे हिसाब से सोलन में जो पार्किंग प्लेसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। एक पार्किंग जो कि पुराने बस स्टैंड पे बननी थी, उसका निर्माण कार्य भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। एक रेलवे रोड पर बननी थी, वो भी अभी अधूरा ही लटका काम है। तो मैं आशा करता हूँ कि सोलन प्रशासन जल्द से जल्द इस मुद्दे को उठाएगा और हमें पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था प्रदान करेगा।